जयपुर में फतेह सागर झील में कार के गिरने से मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वारदात रात करीब 8 बजे बाद की है और अनियंत्रित होकर कार फतेह सागर पाल की 8 बंसियां तोड़ते हुए झील में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने और पुलिस कर्मियों ने राहत कार्य शुरू करवाए हैं और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। अनियंत्रित होकर कार झील में जा गिरी है। पाल की 8 बंसियां तोड़ते हुए कार झील में चले गए। घायलों को अस्पताल में गाड़ी से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी राहत कार्य है वो शुरू कर दिया है। उदयपुर फतेह सागर झील में गिरी है कार, अनियंत्रित होकर वो कार झील में जा गिरी है। वहां पर कार जैसे ही झील में गिरी आसपास के लोगों ने तुरंत उनकी सहायता करते हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला है। कार में सवार उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने राहत कार्य है वो शुरू कर दिया है। ना पुलिस को सूचना दे दी गई है। उसके बाद में जैसे पुलिस पहुंचेगी राहत कार्य हो जाएगा शुरू, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करके उनको कार से बाहर निकाल लिया है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रवि मल्होत्रा। रवि, बताएं कि वहां पर आखिर कार है फतेह सागर झील में कैसे गिरी? देखिए रौनक, बताना चाहूंगा मैं कि ये अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। इस वक्त मैं मौके पर भी मौजूद हूँ और ये तकरीबन कुछ देर पहले की घटना है। एक कार जो है I-20 जो बताया जा रहा है कि जिस तरह का नंबर है RZ24 तिरोही की नंबर की गाड़ी बताई जा रही है, ये अनियंत्रित होकर जो है फतेहगढ़ पाल में जो गिर गई थी और उसके बाद में करीब फतेहगढ़ पाल पर जो बंसियां लगी हुई थी बाहर की 7-8 बंसियों को उसने तोड़ दिया था और अंदर से गिरी थी। और उसके बाद मौके पर जो है क्योंकि फतेहगढ़ पाल पर काफी लोग होते हैं तो लोगों ने इसको हादसे को देखा वहां पर और कोशिश करके जो है इनको जो घायल थे उनको बाहर निकाला। लेकिन इसके बाद जब पुलिस तक सूचना पहुंची है तब तक वहां पर ना तो कोई चालक मिला है ना कोई घायल मिले हैं। और क्योंकि जो भी इसमें जो चालक थे वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, इसलिए पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसको चला कौन रहा था, क्या वजह रही थी, कि क्या कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या और कोई बात है। रवि, आखिर कितने लोग इस गाड़ी में मिले हैं? जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने उनको बाहर निकाला है, तो आखिर आपको सूचना मिली तो कितने लोग इस कार में सवार थे? जी, बताया जा रहा है कि करीबन गाड़ी में जो है कुछ बच्चे भी थे और करीब 5 से 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे और वो सब जो है उनको निकाल लिया गया। निकालने के बाद में शायद उनको अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन उस वक्त किसी ने मौके पर उनसे ना तो नाम पता पूछा था ना ये पता कोई नंबर नहीं था, इसलिए पुलिस अब उस गाड़ी के नंबर से पता कर रही है कि आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है और वो कौन से अस्पताल में गए हुए हैं। जी रवि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।